हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, मैं ना आपको मिड टर्म का लास्ट ईयर का पेपर दिखा रहा हूँ, होम साइंस का। तो आप इसको देखकर आइडिया ले सकते हैं, और इसी वीडियो में ना आपको मैं साथ साथ आंसर की भी दिखा दूंगा, ताकि आप प्रैक्टिस अच्छे से कर पाओ। एमसीक्यू हम डिस्कस कर लेते हैं इसमें, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है, किस आयु में शिशु व्यक्तिगत सर्वनाम जैसे मैं, मुझे और मेरा का प्रयोग करने लगता है, मतलब कब बच्चे को ये बोलना आ जाता है? तो आंसर 18 से 24 महीने में, ठीक है। और जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, देखो अब ये मैं सोचता ना कि यही क्वेश्चन आ जाएंगे अभी आपके जो एग्जाम है, जैसे इसमें यहाँ पे शिशु का बोला गया है, तो आप जो अलग अलग जो एज पीरियड होते हैं ना, बाल्यावस्था हो गई, किशोरावस्था हो गई, तो आप उससे जुड़े हुए क्वेश्चन करिए। जो यहाँ पर आया हो उसके आसपास की चीजें सारे कीजिए, आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का अध्ययन ग्रह विज्ञान के अंतर्गत नहीं किया जाता? जो होम साइंस है ना, वो किसकी स्टडी नहीं करती? भोजन की करती है, पोषण की करती है, संचार की करती है, मानव विकास की करती है, लेकिन पर्यटन यानी कि जो हम घूमने जाते हैं ना इधर से उधर, उसकी स्टडी नहीं करती। फिर ये नेक्स्ट कह रहा है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान आपके मित्र ने एक मधुर गीत गाया, ठीक है, पारस्परिक क्रिया के आधार पर ये किस प्रकार का संचार है? देखो आपको ना संचार के सभी प्रकार पता होने चाहिए। यहाँ पर वो खुद ही गाना गा रहा है, किससे पूछ तो नहीं रहा या उससे रिस्पॉन्स ले रहा है, तो ये एक तरफा हो गया। अगर दो जनों होते तो दो तरफा होता। और अंतर्व्यक्तिक का मतलब क्या होता है? जब वो सामने वाले से बहुत सी बातें कर रहा है, और अंतरा जब वो अपने आप से बात कर रहा है, तो इसका आंसर क्या? एक तरफा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, अगर एक शोध से यह स्पष्ट है कि औसतन एक व्यक्ति अपना लगभग 70% समय डैश संचार में बिताता, मतलब व्यक्ति कम्युनिकेशन करते करता है 70%, तो कौन सा यूज करता है 70%? अंतरा करता है, मौखिक करता है, गैर शब्दिक करता है, या अंतर्व्यक्तिक करता है? ये तो आप अपने आप से पूछ सकते हो, कि आप ज्यादातर बोलते ही तो और लिखते हो इस तरीके से, तो इसका आंसर क्या है आपका? क, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है? देखो हमारे भोजन में ना एक हमें चाहिए होते जो वृहत मात्रा में होते हैं पोषक तत्व, और एक होते सूक्ष्म जो हमें कम चाहिए होते हैं, जैसे हमें ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए होती है, हाँ या ना? तो हमें कम क्या चाहिए होता है? हमें प्रोटीन ज्यादा चाहिए होता है, हमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा चाहिए होता है, हमें वसा भी ज्यादा चाहिए होती है, ये वृहत पोषक तत्व में आएंगे, ठीक है। इससे मुझे कम में क्या चाहिए? हमें कम में हमें आयोडीन चाहिए, ठीक है। आप कॉमन सेंस लगा के करेंगे तब भी आप आराम से कर पाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, ये कह रहा है, योजना बनाते समय हमारी वर्तमान स्थिति तथा वांछित स्थिति के बीच में अंतर को क्या कहते हैं? देखो ये कह रहा है, जब हम योजना बनाते हैं ना, आपको ना पूरा प्रोसेस पता होना चाहिए, जैसे मैनेजमेंट का वर्क होता है, योजना बनाना, फिर उसका संगठन बनाना, इस तरीके से आपको सारा प्रोसेस पता होना चाहिए। तो ये कह रहा है, योजना बनाते समय हमारी वर्तमान स्थिति तथा वांछित स्थिति के बीच, मतलब जो हमारी अभी सिचुएशन है, जैसे मान लो अभी आप 1 करोड़ के मालिक हो और अब आप चाहते हो 2 करोड़ के, तो उसके बीच के अंतर को क्या बोलेंगे? अंतराल बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे? अंतराल। फिर अगर आप ऊपर वाला नहीं करना चाहते, नीचे वाला कर सकते हैं। सरकारी अस्पताल, डाकघर, सड़कें और पार्क किस प्रकार के संसाधन है? देखो ये समाज के सभी वर्गों के लिए है, समाज के सभी लोग इसे प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए सामुदायिक कहलाएगा, ठीक है। और अगर आपसे पूछे व्यक्तिगत, जो आपका पहन, जैसे मेरा पहन है तो मेरा ही है, प्राकृतिक जैसे हवा हो गई, पानी हो गई, मिट्टी होगी, तो जिसमें सभी का अधिकार होता है, तो वह हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। और मानवीय का मतलब होता है जो मनुष्य द्वारा निर्मित किए गए हैं, ठीक है। और पर मनुष्य द्वारा निर्मित तो किए गए हैं, लेकिन क्या स्किल, नॉलेज, एजुकेशन, हेल्थ,
ये मानव संसाधन बनेगा जिससे कि मनुष्य इनकम कमा सके। एक मानव को तब संसाधन कहेंगे जब उसमें ज्ञान होगा, शिक्षा होगी, स्वास्थ्य होगा। ये मानव संसाधन उसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, चीजों की बात नहीं कर रहा मैं। क्योंकि एक मनुष्य जब मतलब पता है मानव को संसाधन कब कहेंगे, जब वो आर्थिक रूप से सक्षम, जब वो धन उत्पन्न कर रहा हो, जब उसमें शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, स्किल हो और आर्थिक रूप से सक्षम हो, तब उसे मानव संसाधन कहेंगे, नहीं तो वो बोझ कहलाएगा एक तरह से। ठीक है, आरडीए की फुल फॉर्म क्या है? निर्धारित आहार संबंधी मात्रा। ठीक है, ठीक है, ये होती है। इंग्लिश में आप यहां पर मैं आपको बता ही चुका हूं, ठीक है, एक लैंग्वेज में बता दिए, बाकी दिखा देता हूं आपको, इसमें देख लो आप। आरडीए की फिल्म क्या होती है? रिकमेंडेड डायट्री अलायंस। ठीक है, देखिए आठवें क्वेश्चन में आपको मैच करना कि कौन सा ये जो नृत्य है या लोकगीत है ना, वो कौन से राज्य से है। तो बोल या भतियाली बंगाल की है, और दो दूहा और गरबा नाम से पता, गरबा आपने बहुत सा देखा भी होगा तो आपको पता ही है कि ये गुजरात से है, और पोडा और लावनी जो है आपको पता होना चाहिए महाराष्ट्र से, भांगड़ा और गिद्दा पंजाब से। दो भी बताओगे तो आप सारे कर लोगे अपने आप। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा? क आ गया, ए आ गया। ठीक है, फिर नौवां क्वेश्चन है, यहां पर भी मैचिंग करनी है। तो यहां पर ये लिखा है एस्बेस्टस, तो ये किससे मिलेगा, ये क्या है? ये खनिज रेशा कहलाता है। ठीक है, और ये रेशम क्या है? ये प्रोटीन रेशा कहलाता है। और नायलॉन क्या है? नायलॉन जो है वो सिंथेटिक रेशा कहलाता है। कपास क्या है? सेलुलोसिक रेशा कहलाता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या है, वो सी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद दसवां क्वेश्चन है, ये कह रहा है पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन की गोलियों का उपयोग करते समय कौन सावधानी बरतोगे आप। तो देखो क्लोरीन की गोली जो है ना, एक बार चेक कर लो कि कहीं एक्सपायर तो नहीं होगी डेट, तो उसे 10 से 20 मिनट तक पानी को हिलाना नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ग। ठीक है, आप आंसर मैच भी कर सकते हैं। ठीक है, ये का है, का दूसरा तीसरा तो कहाँ पे है ना, तो हमारा आंसर का है। ठीक है, फिर ना इसके ओवर में भी दे रखा, अगर आप ऊपर वाला नहीं करते तो आप ये कर सकते हो। पेयजल शुद्धिकरण की विधि के रूप में उबालना विधि का उपयोग करने में क्या हानि है? जैसे अगर हम उबालेंगे तो हमें क्या हानि होगी? तो हमें हानि है कि एक तो वो महंगी है, बार पानी उबालोगे तो उससे समय बहुत ज्यादा लगेगा, इसलिए बहुत महंगा पड़ता है पानी उबालना। फिर ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से पहचान के तत्व है? जैसे अगर मुझे किसी की आइडेंटिटी पहचान है, पर्सनैलिटी को पता लगाना है, तो मैं इनमें से किसका इस्तेमाल कर सकता हूँ? तो इसका आंसर है हमारा पहला तीसरा, यानी कि स्व संकल्पना और स्वाभिमान। फिर देखो ये असर्शन रीजन, इसमें सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि दोनों ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, अगर दोनों ट्रू है तो फिर देखना नीचे वाला क्या ऊपर वाले का रीजन है, चेक करते हैं। देखो प्रभावी समय प्रबंधन के लिए मतलब, तो अगर हमें टाइम का सही से मैनेजमेंट करना है, पूरे दिन के लिए एक उचित समय सारणी तैयार की जानी चाहिए, मतलब एक टाइम टेबल बनाओ, इसमें विश्राम को भी शामिल करना जरूरी है कि हमें रेस्ट भी करना चाहिए। फिर कारण क्या है? कह रहे जिन कार्यों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है उन कार्यों पर ऊर्जा और समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, पर ये इसका रीजन नहीं है। दोनों ठीक तो लिखे हैं लेकिन रीजन नहीं, इसलिए इसका आंसर क्या है? खा। फिर उसके बाद ये देखो इंग्लिश वाले आराम से देख लो, फिर से एसोसिएशन रीजन है, ये कह रहा है कि बीमारी या रोग व्यक्ति की पोषण स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। अगर कोई व्यक्ति को बीमारी लग जाएगी ना तो उसका पोषण सही से नहीं हो पाएगा। ये कारण यह है कि बीमारी के दौरान पोषक तत्वों की आवश्यकता बढ़ जाती है, और पोषक तत्वों के अभाव में जो उत्तक वगैरह होते हैं वो टूटने लग जाते हैं। तो ये रीजन भी ठीक लिखा, इसलिए अगर बीमार है तो पोषक तत्व अच्छे खाओ,
शरीर में किसी प्रकार की कमी ना हो, तो इसलिए इसका आंसर क्या कहलाएगा, क, क्योंकि व्याख्या भी सही है ठीक है और रीजन भी ठीक है। फिर देखो ये पैसेज है, फिर इसको पढ़कर आपको आंसर देने। अब मैं आपको केवल ही पेपर दिखा रहा हूं ठीक है, तो आप इसको पढ़ के फिर आंसर देंगे और फिर देखेंगे आपका कितना आंसर ठीक है। तो जैसे ये 14वां क्वेश्चन है, आप इसे पढ़ो फिर इसका आंसर दिखा रहा हूँ। ये देखो इसका आंसर ठीक है। फिर उसके बाद ये 15वां क्वेश्चन है, 15वां क्वेश्चन का आंसर देख लो, स्वरूप है देखो। फिर ये इंग्लिश में है, आप इसे आइडिया लेने के लिए पढ़ना और इस पर ज्यादा जोर मत डालना। कहीं सोचो कि यही पेपर और यही सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, ऐसे कभी नहीं हुआ ठीक है। तो क्वेश्चन हमेशा अलग ही आते हैं, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करो और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करो ठीक है। 18 MCQ है, बाकी फिर शॉर्ट आंसर है ठीक है, फिर लॉन्ग आंसर होंगे ठीक है। तो 25 तक के पहले आंसर देख लो। चार सामाजिक निर्धारक बोला है, मतलब समाज को बनाने में चार किन चीजों का योगदान होता है भाई। अगर रोजगार कैसा है वहां पर, काम की सुरक्षा कितनी है, स्वास्थ्य सुविधा कितनी है, इस तरीके से। हाँ सिंपल लैंग्वेज में टू द पॉइंट आंसर लिखे, आप इन्हें पढ़कर अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको स्पीड ज्यादा लगे तो YouTube में 3 डॉट है ना, तो उससे आप स्पीड जो है कम कर सकते हैं और आराम से इसकी प्रैक्टिस जो है अच्छे से कर सकते हैं। अभी 26वां क्वेश्चन है, फिर 27वां है, फिर 28वां है, 29वां है ठीक है। आप इसका आंसर देख सकते हैं, पहले 25 का देख लो। फिर ये 26, 27, फिर 28। फिर ये खंड गा ठीक है, वो जैसे केस स्टडी टाइप क्वेश्चन होते हैं ना, तो वैसे ही है। एक बार पढ़ के आप आराम से बता सकते हो। ये 30वां क्वेश्चन है और ये 31वां क्वेश्चन है ठीक है। ये 32वां है, तैंतीस, फिर 34, क्वेश्चन पढ़ सकते हैं आप ठीक है। फिर इसका आंसर मैंने आपको दिखा दिया, और आप भी देखो कि आपको कितने आंसर अच्छे से आते हैं। क्या आप सभी के आंसर अच्छे से दे पा रहे हैं, इस तरीके से चेक करो अपने आप को। ठीक है डियर, तो इतना ही था इस वीडियो में ठीक है। वीडियो को लाइक, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली. टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स.